तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे बांग्लादेश ए वर्सेस वेस्ट इंडीज ए के बीच जो यहाँ पर टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों का देखा जाए तो सीरीज में एक एक मुकाबला दोनों टीम आपस में खेल रखी है। वेस्ट इंडीज ए जो है वो बांग्लादेश ए के दौरे पे आई है और यहाँ पर जो है टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा ये दूसरा। तो दोस्तों अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा जीएल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट जो जीएल विन करने के लिए काफ़ी और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट पे पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों एक मुकाबला यहाँ पर खेला गया, मैच ड्रॉ रहा, खैर अक्सर मैच ड्रॉ ही रहता है या प्रैक्टिस में जो भी होता है। वेस्ट इंडीज ए यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हो, टी चंद्रपोल काफ़ी बढ़िया इनका रिकॉर्ड है और ये इंटरनेशनल प्लेयर है तो ट्राई करना चाहिए, कैप्टन वाइस के बारे में भी सोचना चाहिए। 83 का योगदान दिया, इनके अलावा क्रिक एमसी कंजी की बात की जाए इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनका बेहतर है, ज़्यादा इंटरनेशनल ये खेले नहीं हैं, तो इन्होंने 86 का योगदान दिया। इनके अलावा आर रिफरर की बात के यहाँ पर 26 का योगदान, वैसे डोमेस्टिक में ये पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करता है। एलिक की बात के यहाँ पर 85 का योगदान दिया, जो कि अधिकतर ये T10 और T20 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ब्रेंडम किम इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पर 0 पे आउट हो गए। जेडी सिल्वा वेस्ट इंडीज़ का बेस्ट विकेट कीपर, टेस्ट का भी बेस्ट जेडी सिल्वा को ही माना जा रहा है और अक्सर ये इंटरनेशनल भी खेल रहे थे, 77 का योगदान दिया। वाई करिए यहाँ पर 14, इनके अलावा केविन की बात के एक बढ़िया स्पिनर है, इन्होंने यहाँ पर 53 रन का नाबाद योगदान दिया। गेंदबाजी में देखी जाए एम हसन ने यहाँ पर 4 मिडन साथ 3 विकेटें ले गए। इनके नईम हसन जो कि स्पिन गेंदबाजी करते 2 विकेटें ले गए। आर मंडल फास्ट गेंदबाजी करके 1 विकेटें और सैफ हसन जो कि स्पिन गेंदबाजी यानी पार्ट टाइम गेंदबाजी करते इन्होंने भी 1 विकेटें ले गए। बांग्लादेश बल्लेबाजी के लिए आए जाकिर हसन जिनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, 30 रन लगाएँ। एस सदमन की बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाए इंटरनेशनल प्लेयर है, अक्सर ये टेस्ट खेलते हैं तो इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है। सैफ हसन की बात की जाए डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनका बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, अब गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर रहा है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। मेहदी हसन का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है तो इन्हें जीएल पर ट्राई करना। अफीफ हुसैन इंटरनेशनल, देखो सारे प्लेयर इसलिए खेल रहे हैं और बड़ा पारी नहीं खेल रहे हैं कि सारे लोग एक प्रैक्टिस के नज़रिया से देख रहे हैं कि सारे को मौका मिलना चाहिए ताकि सारे का फॉर्म आ सके और फिर इंटरनेशनल वो बेहतर कर सके। जाकिर अली भी यहाँ पर 64 रन का यहाँ पर योगदान दिया। गेंदबाजी में यहाँ पर जैर की बात की 5 विकेटें ले गए, इनका देखोगे करियर रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है जितना इन्होंने 5 विकेटें लेकर दिखाया। अकीम जॉर्डन का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, आर रेफरर का रिकॉर्ड बढ़िया, दोनों ने 2-2 विकेटें ले गए। वाई करिया स्पिन गेंदबाजी करता है और मोटी जीएल का ट्रंप कार्ड होगा, इनके अलावा केविन भी जीएल का ट्रंप कार्ड होगा क्योंकि बांग्लादेश के पिच पे अक्सर स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, लेकिन इस मुकाबले में स्पिन को उतना मदद नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। फिर से बांग्लादेश बल्लेबाजी किया, यहाँ पर सलीम सदमन ने यहाँ पर 64 का योगदान दिया। जाकिर अली यहाँ पर 36, गेंदबाजी यहाँ पर देखा जी मोटी ने 2 विकेटें ले गए, जैर भी 2 विकेटें और जॉर्डन और रेफरर को 1-1 विकेटें यहाँ पर मिला था, तो इस प्रकार से रहा था। तो चलिए सीधा देखते हैं कॉम्बिनेशन। तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर टीम बनाते देखा जाए विकेट कीपरिंग सेक्शन से, देखो 1, 2, 3 तीनों विकेट कीपर यहाँ पर बेस्ट है, लेकिन 2 विकेट कीपर के साथ जाना चाहोगे तो यहाँ पर इन दोनों बेस्ट है। 1 विकेट कीपर में जेडे सिल्वा यहाँ पर बेस्ट है और रेफरर सैफ हसन दोनों कैप्टन वाइस के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि दोनों बल्लेबाजी गेंदबाजी अच्छा खासा कर लेते हैं। इनके अलावा यहाँ पर देखा जाए गेंदबाजी सेक्शन पर तो इनके ऊपर हम वो बाद में बात करें, लेकिन यहाँ पर सलीम सदमन को यहाँ पर पिक करेंगे, टी चंद्रपोल दोनों अपने अपने टीम की तरफ से ओपन आते हैं और दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इनके अलावा अफीफ हुसैन इंटरनेशनल प्लेयर है, खेलेंगे तो यहाँ से इंपोर्टेंट है, लास्ट मुकाबला खेला भी,
बी किंग यहाँ से सस्ते में निपट गए, तो इनके ऊपर थोड़ा सा खास ध्यान रखना, इस मुकाबले में ये बेहतर कर सकते हैं। यही गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो अकीब जोर्डन काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है और ये अच्छा इनका करियर रिकॉर्ड भी है, इनको मैंने पिक किया। नईम हसन जिनको स्पिन अच्छा खासा मदद मिलता, तो यहाँ पर नईम हसन बेहतर कर सकता। जी मोटी भी यहाँ पर बेहतर कर सकता, ये भी स्पिन गेंदबाजी ठीक ठाक यहाँ से कर लेता। इनके लिए फास्ट गेंदबाजी में एम हसन का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, इन्होंने 3 विकेटें भी लेगी। तो इस प्रकार से हमारा टीम है। कैप्टन वीसी, कैप्टन वीसी के लिए यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन हमारा कैप्टन जो है यहाँ पर सेफ हसन है, वीसी हमारा आर रेफरल होने वाला है। तो दोस्तों यह टीम सेव करके रख लो, लेकिन यह टीम हमारा फाइनल नहीं है। फाइनल टीम जो आएगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगी, डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ लक्ष्मी माँ विषहरी माँ ओल्ड भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोगों पे सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।